वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं एक साथ दो अस्तर ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी कि हम कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नाप लेना होगा। अगर आप इंची टेप से नहीं नापते हैं तो आपको एक परफेक्ट साइज का नाप लेना होगा। तो यहाँ हमने बिल्कुल परफेक्ट साइज का एक नाप ले लिया है। अब इसी नाप से हमें कटिंग करना है। तो हमने दो ले लिया है, दो ब्लाउज का अस्तर वाला है, यहाँ हमने अस्तर भी ले लिया है। तो हम सारे मैनेजमेंट कटिंग कैसे करेंगे तो चलिए मैं वो बताती हूँ। तो सारे मैनेजमेंट हमें लेना है इसी ब्लाउज से। तो चलिए कटिंग करते हैं फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, इसको पहले ये दोनों को एक साथ बराबर से रखना है क्योंकि हमें एक बार में ही दोनों को कटिंग करना है। तो दोनों को पहले हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए दोनों पीस का साइज एक बराबर होना चाहिए। पहले हमें सफाई से इसको मिलाना है। इस तरीके से अब इसको हमें इस तरीके से डबल करके रखना है। तो यहाँ हमने डबल किया। अब आपको जिस नाप का ब्लाउज से बनाना है तो हमें इसी नाप से बनाना है। तो हम इसी नाप से कटिंग करेंगे। तो इतना हमें मार्जिन लेके चलना है नीचे जो एक्स्ट्रा स्टिचिंग में जाएगी। तो इतना हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और उसके बाद इसका लेंथ नापेंगे। तो यहाँ से तो ये बिल्कुल रेडी वाली है और इतना हम हाफ इंच बढ़ा के रख लेंगे। ये देखिए तो यहाँ तो हमने लंबाई नाप लिया। अब हमें शोल्डर देखना है। तो इसको इस टाइप से यहाँ से रेडी वाली शोल्डर है और ये मार्जिंग वाली शोल्डर है। यहाँ से आर्म होल रेडी वाली और ये एक्स्ट्रा वाली। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए यहाँ एक हमने बॉक्स बनाया। बॉक्स में हम गोलाई देंगे इस तरीके से। अब हमें फिटिंग देखना है। यहाँ से हम इतना एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स लग के रेडी हो जाएगी और इतना मार्जिन के लिए रखेंगे। अब देखना है यहाँ से इतना पे हम टेकिंग का मार्क लगाएंगे जो टक्स लगेगी। अब यहाँ से हमें गला देखना है। तो गला बनाने के लिए हम इसी नाप को लेंगे और यहाँ जितना साइज का गला है एक हम बॉक्स बनाएंगे इस टाइप से। इस बॉक्स में जो भी शेप देना होगा वो शेप देना है। तो यहाँ हमने गोल शेप दे दिया। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। दोनों एक ही साथ हमें कटिंग कर लेनी है। ये अब यहाँ से शोल्डर, ये हो गई आर्म होल, पीछे का पल्ला का, तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। दोनों इसी में निकल गया। अब हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लेस है इसको हटा देना है क्योंकि ये स्लीव्स पे लगेगी दोनों का। इसका ये है और इसका ये है। तो ये हमें हटा देना है। अब आगे का पल्ला कटिंग करना है। तो आगे का पल्ला हम इधर साइड से कटिंग करेंगे। तो इसको इधर से हमने लेस खोला था उधर से ही हमें कटिंग करना है। अब इसको हमें इस तरीके से डबल रखना है। डबल रखने के बाद हमें पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले पर डाल देना है और इससे हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करना है क्योंकि इसमें टेकिंग लगती है। तो अब इस साइज से पहले हम कट करेंगे उसके बाद हम अपना गला कटिंग करेंगे साइज से। हाफ इंच इधर भी हम एक्स्ट्रा रख लेना है। ये देखिए तो ये आगे का पल्ला हो गया। अब इसमें हमें गला का मार्क लगाना है। तो गला आप साइज देख लीजिएगा। तो हमें ये नाप का ही बनाना है गला भी। पहले गला कटिंग कर लेते हैं। तो इसी नाप को हमें इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। ये देखिए और मार्क लगा देना है इसी साइज से। ये अब यहाँ से हम गला कटिंग करेंगे।
अब यहाँ से आगे के पल्ला को अलग करेंगे, अब यहाँ से हम टेकिन का मार्क लगाएंगे। ये देखिए, अब उसके बाद हाफ इंच हमें आर्म होल में गोलाई देना होता है आगे वाले पल्ले में, तो वो गोलाई हम निकाल देते हैं। ये देखिए, तो ये आगे वाला गोलाई हमने निकाल दिया। अब इसी साइज से हमें सब में टेकिंग लगाना है, तो हम पहले इस तरीके से कट कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो टेकिंग लगाने में। इसी साइज से हम सब में मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, तो इसी साइज से हमें सब में मार्किंग कर लेना है, यहाँ से इस तरीके से जहाँ से हमने लिया था। देखिए, इसमें भी मार्क हो चुकी है। अब इधर हम उसी के साइज से इसमें कर देते हैं, तो सारे में मार्किंग लग जाएगी इजली। ये देखिए, तो इसमें भी सब में मार्किंग इसमें भी आ गई है, सब में मार्किंग आ चुकी है। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लीजिएगा। तो ये हो गई आगे का पल्ला, ये हो गया पीछे का पल्ला। अब हमें कटिंग करना है बाजू स्लीव्स, तो स्लीव्स हम इसी से निकालेंगे। तो चार स्लीव्स हम एक बार में निकाल लेंगे, तो इसको हम कर लेंगे, इसको इस तरह से रखते हुए इसको करते हैं हम डबल। देखिए, इसको हम कैसे कटिंग करेंगे, इसको कर लेंगे डबल। डबल इस तरीके से रखेंगे तो चार स्लीव्स निकल जाएगी। देखिए, ये भी कपड़ा डबल हो गया, गोल्डन वाला भी, और ये भी कपड़ा डबल हो गया। अभी इसको हम इस टाइप से रख देते हैं, और इसका हमें लेंथ देखना है यानी कि लंबाई। तो उससे पहले इतना हमें फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा। अब इसका लेंथ देखना है, तो ये बिल्कुल रेडी वाली, ये एक्स्ट्रा वाली, ऐसे। फिर ये, अब यहाँ से हमें फिटिंग देखना है, तो ये बिल्कुल फिट वाली मार्क जाएगी, और यहाँ से लूजिंग जाएगी एक्स्ट्रा वाली। तो अब उसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से ऐसे रख लेते हैं। तो इसी में चार स्लीव्स है, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद अब सारे बाजू में हमें एक साइड छांटना होगा, तो इधर ये जाएगी और इधर ये जाएगी, तो ये हो जाएगी आगे की और ये हो जाएगी। तो इसी में हमें हाफ हाफ इंच कट कर लेना है। फिर इधर भी हाफ हाफ इंच कट कर लेना है। ये इस तरीके से इधर दोनों में हमने छांट लिया। अब हमें हुक पट्टी और काज पट्टी कटिंग करना है दोनों का, तो यहाँ से हम हुक पट्टी और काज पट्टी कटिंग करेंगे। तो इधर से हम निकाल देते हैं एक हुक की पट्टी हो गई, और 2 इंच चौड़ा काज की पट्टी हो जाएगी। तो इसका लेंथ पहले हम नाप लेते हैं, इतना होगा। फिर इधर से फिर ये, अब इसी साइज से गोल्डन वाला का भी पट्टिया कट कर लेते हैं। तो यहाँ हो गई हुक की पट्टी, और इससे कट करेंगे काज वाली पट्टी। तो हुक पट्टी काज पट्टी हो गई। अब कटिंग करना है गला का, तो इससे हम गला का उड़ेप पट्टी कट करेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे यानी कि अस्तर की, 2-3 एक एक इंच चौड़ी पटिया कटिंग करनी है, मैरून और गोल्डन दोनों का। ये देखिए, तो ये गला पे जो उड़ेप पट्टी लगती है वो हो गई। अब हम मैरून से भी कट कर लेते हैं दोनों का गला का पट्टी। Thank you.
दो से तीन पट्टी कट कर लीजिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा ही कट कीजिएगा कि आपको स्टिचिंग में। देखिए तो यहाँ हमने पट्टी कट कर लिया, अब कटिंग करते हैं लाइनिंग की। लाइनिंग की कटिंग यानी कि अस्तर की कटिंग हम कैसे करेंगे वो देखिए। तो दोनों अस्तर को हमें उसी तरीके से रखना है साथ में और कटिंग करना है इस तरीके से। पहले हम दोनों को बराबर से रख लेंगे। तो अब यहां से इसको हम इस तरीके से डबल करते हैं। डबल करने के बाद जो हमने पल्ला कट किया था बस उसी के बराबर हमें कटिंग करते जाना है। ये देखिए, अगर थोड़ा सा हमें इसको फैला देना है, ये देखिए। अस्तर की भी कटिंग इसी तरीके से बराबर से कर लेना है। स्टिचिंग की वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे कि अस्तर वाले ब्लाउज की हम सिलाई कैसे करते हैं। तो ये पीछे की पल्ला हो गई, दोनों की अस्तर इसी में है। अब आगे की कटिंग करते हैं, तो इसी को इसी टाइप से रखते हुए पहले हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहां से हम कटिंग करेंगे। तो ये हो गई आगे की पल्ला, इसी में दोनों हैं। ये देखिए इसी में सबका लाइनिंग चार कटिंग हो चुका है, दोनों पल्ला का दो दो। अब हमें बाजू कटिंग करनी है, तो ये फैब्रिक लेंगे और इसी में हम बाजू को सेट करेंगे। इस टाइप से हम बीच से निकाल देंगे, तो यहाँ पे ऐसे डालते हैं और सेट करते हैं। तो बाजू कटिंग करते हैं, तो इसको कर लेंगे हम पहले अच्छे तरीके से डबल मिलाते हुए। इस तरीके से पहले सही से सेट करते हैं। अब उसके बाद जो हमने बाजू कटिंग किया था वो डालेंगे इसी के ऊपर। अब इसी साइज से हमें कटिंग कर देना है। इस तरीके से तो ये हमने बाजू कटिंग कर लिया है। कम ज्यादा होगा ज्वाइंट लगाएंगे। अब इधर से थोड़ा सा हमें इसके बराबर कर देना है। ये देखिए तो सब बराबर हो चुका है। ये तो चारों इसी में बाजू भी कटिंग हो गई है। अब हम सारे को सेट करके दिखाते हैं। कटिंग हो चुकी है, तो ये हो गया आगे का पल्ला। अब सबका हम अस्तर साथ में लगा देते हैं अलग अलग करते हुए। ये देखिए तो सबका अस्तर हमें अलग अलग रख लेना है सबके ऊपर। देखिए ये इसका अस्तर हो गया। तो एक साथ दो ब्लाउज अगर कम टाइम है तो आप इस तरीके से, एक ही साइज का है तो आप कटिंग एक बार में ही कर लेंगे। अब इधर का जाएगा एक अस्तर। ये देखिए अब अस्तर एक ये नीचे अस्तर रखेंगे और मेन फैब्रिक हम ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये अस्तर हो गया और ये वाला मेन फैब्रिक हो गया कपड़ा। सब में मार्किंग लगी हुई है। ये देखिए
इस तरीके से उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें टिक इन लगाना है। अब एक ये हो गया, इसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं, ये तो देखिए इसका एक पल्ला इधर रेडी हो चुका है, तो इसको हम अलग ऐसे रख लेते हैं और पीछे के पल्ला को अब सेट करते हैं। तो इसको हटा लेंगे ये, और इसके ऊपर अब डालेंगे जो मेन पल्ला है अस्तर का, वो इस पे डाल देते हैं ये। इसी तरीके से हम सेट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका भी अस्तर मिला के नीचे ये वाला पल्ला को रख लिया है, इसके ऊपर से मेन वाले को रखेंगे। तो यहाँ ऊपर वाला हो गया, इस तरीके से इसी तरीके से सबको सेट कर लेना है। अब दोनों स्लीव्स, तो स्लीव्स का भी हम अलग अलग अस्तर कर लेते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे दोनों अलग अलग। ये देखिए कम ज़्यादा होगा, देखिए इस तरीके से इधर का बाजू चला जाएगा, फिर हम दूसरा बाजू लगाएंगे, इधर साइड रखेंगे, यहाँ से ये दूसरा बाजू हो गया। ये देखिए तो ये पल्ला, और ये हो गया हुक का पट्टी, और इसका कांच का पट्टी, ये हो गया इधर कांच का पट्टी, ये देखिए, और इसके गला का पट्टी, ये इस तरीके से जो हमने उरेप कट किया था ये गला पे लगेगी। तो ये एक सेट हो गया, फिर ये दूसरा सेट मैं रख कर बता देती हूँ। तो इसके अंदर अस्तर हमने रख के ये ऊपर से ये वाले पल्ले को डाल दिया, फिर ये वाले पल्ले को डाल दिया, अब इसके बाजू का हम अस्तर इसमें डाल देंगे, ये इसके बाजू का अस्तर हो गया। तो इधर साइड जाएगी बाजू का अस्तर। तो यहाँ मैरून वाला का सारा सेट हमने रख लिया, ये गला पे लगाने वाला हुक पट्टी, काज पट्टी, दोनों स्लीव्स, तो ये इधर रेडी हो गया। अब इसका ये पूरा इधर, इसमें हमने अस्तर के साथ ये भी कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज की ये कटिंग कैसी लगी, और नीचे ये जो लेस लगेगी वो लेस है। तो आज की ये ब्लाउज कटिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।